Hello dear students, good morning to all of you. I am Shelly, your next teacher and students. Today our topic is fraction. Okay student and students, ये हमारा आज का last lecture है topic wise. Okay, इसके बाद हम revision करेंगे इस chapter की. So बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि chapter अब हमारा finish हो गया. इसके बाद हम अपना new chapter. So let's get start. Okay, देखो student. So हमारे first statement क्या है, हर एक word को understand करो और उसके बाद मेरे को आपने statement बना के दिखानी है. तो क्या है, the cost of 3 of 1/2 kg sweets is this. Okay, तो आपने ये as it is लिख लिया, one line यहाँ पे finish, और इसमें से आप बनाओ. मैंने आपको story बनाना सिखाया था. Yes, जहाँ पर हम factors के अंदर जहाँ पे sums आए थे, story sums, वहाँ पे हमने story sums बनाने सीखे थे, right? तो इस चीज को सीखो. पहली line हमें देखनी है, हमें sentence देखनी है कि first sentence में हम क्या क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ 3 of 1/2 kg स्वीट इज दिस. तो आप यहाँ पर इसको इक्वल बना के लिखो, लिखो द कॉस्ट ऑफ 3 of 1/2 kg स्वीट्स. क्या कॉस्ट है बच्चे, 185 of 1/2. ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट्स. तो 1 kg स्वीट्स की आपने यस कॉस्ट बतानी है. तो लिखो यहाँ पर क्या बतानी है, कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट्स. कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट्स. अब एक चीज मेरे को बताओ, आपने यूनिटरी मेथड किया था, राइट? यूनिटरी मेथड में क्या था बच्चे, जब हमें मैनी की कॉस्ट दी हो, क्या दिया हो, मैनी की कॉस्ट दी हो. एक वीडियो आई हुई है आपके पास कीवर्ड्स की, वो जरूर देखना. मैनी की दी हो कॉस्ट और 1 निकालना हो, यानी काफी सारे की कॉस्ट दी है, हमें 1 की निकालनी है. तो अब हम वहां पे क्या करेंगे, यस डिवीजन. यस बच्चे, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉस्ट के लिए 185 by 1/2 क्लियर, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 of 1/2 से. क्लियर, क्या करेंगे, इस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते थे इससे. तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो किसकी आ जाएगी, 1 kg की. तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन फिनिश ही हो गया. आपने क्या करना है, जस्ट इन दोनों को सॉल्व करना है, राइट? इस डिवीजन को सॉल्व करना है, और ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 180 इसकी 2 से मल्टीप्लाई, 2, राइट? सो 2 5 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 2 8 16 16 plus 1 17 1 कैरी, 2 1 2 2 plus 1 3. ये क्या आया, जब 2 को 185 से करा है तो 370, साथ में ऊपर क्या है 1, तो क्या कर दूंगी प्लस 1. तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 1 कितना हो गया बच्चे, 0 प्लस 1 1 7 3. क्लियर, तो जब प्लस 1 करा तो क्या बना, 371. तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 371 by 2. क्लियर, नेक्स्ट 2 3 6, बीच में तो डिवाइड का साइन लगाओ, 2 3 6 6 plus 1 7, यस 7 by 2. अब तो ये और सिंपल सम बन गया, राइट? हमने क्या करना है, यस अब इनको सिंपली सॉल्व करना है. तो बच्चे ये अब आपका एज इट इज पड़ा है, मैं अब यहाँ पे इसको साइड पे सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे. मैं स्टेटमेंट ड्रॉप कर रही हूँ, ओके? तो यहाँ पर आंसर हम इसका लिख लेंगे. यस लिखो, 371 by 2 डिवाइड में 7 by 2. क्या करते थे हम, 371 by 2 डिवाइड का साइन किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में. तो मल्टीप्लाई होगा तो साथ वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल. 7 by 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 by 7. अब 2 2 क्या है, सेम 2 से 2 कैंसल, 2 1 2 2 1 2. अब आप चेकआउट करो कि क्या ये 7 के टेबल पे आता है, कहीं डिवाइड होता है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो सिंपल आंसर. क्लियर, तो आपने सिंपल आंसर निकाल देना. यस चेक करो कि 35 के 7 के टेबल पे आएगा, जल्दी से बताओ. यस करके देख लो, डिवाइड करके देख लो बच्चे, 371. यस 7 का टेबल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे,
ये लो, मैंने सेवन का आपके लिए क्या करके रखा है, टेबल राइट करके। अब देखो सबसे पहले क्या लेंगे, थ्री, थ्री पे देखो क्या जाता है, वो टेबल पे जाता है, गेस्ट नहीं जाता, तो हम क्या लेंगे अब 37, तो 37 से छोटा ये 37 देखो कौन आएगा, 35 का, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35, तो ये आ गया 5 35। माइनस करो 2, ऊपर से क्या लिया 1, कहाँ पर आता है 21, गैस दिस वन 7 3 21, माइनस करा 0, फिनिश। तो क्या आया मेरे पास 53, तो यहाँ पे आएगा 7 1 7, इसको कट करेंगे क्या आएगा 53। ओके सो आंसर हमारा क्या आ गया 53/1 × 1/1, तो आंसर इज 53। बच्चों मैं इसकी कैलकुलेशन अभी एक बार आपको फिर करके दिखाती हूँ, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना, मैं ये सारा रब कर रही हूँ, वो टेबल पड़ा रहेगा। ओके यस, जिनको समझ आ गई है अच्छी बात है। यस, तो आपने आंसर बस पोस्ट के आगे लिख देना, मैं एक बार ऊपर लिख रही हूँ। देखो बच्चे अब इसको सॉल्व करना है, 185 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो 2 5 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 2 8 16 16 + 1 17, 1 कैरी, 2 1 2 2 + 1 3, क्या है 317, साथ में ऊपर क्या पड़े 1, तो प्लस क्या कर देंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा 371, तो यहाँ पर आ गया 371/2, डिवाइड में 3 2 6 6 + 1 7, ये आ गया 7/2। नेक्स्ट अब क्या करूँगी मैं, 371/2 डिवाइड वाले साइन को क्या कर दूंगी मैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने से साथ वाला नंबर रेसिप्रोकल, तो क्या हो गया 2/7, राइट, तो कट करो 2 1 2 2 1 2, क्लियर। अब 7 के टेबल पे 371 देखना है, तो 371 देखो 7 पे, तो पहले हम क्या करेंगे 3 5 35, माइनस करो 7 - 5 2, ऊपर से क्या ले लेंगे 1, तो 21 कब आता है 3 पे, तो ये क्या आ गया 21 माइनस 0, क्लियर। सो योर आंसर इज 53, तो 7 1 7 7 53 371, तो अब यहाँ पे क्या रह गया बच्चों 53 × 1/1 × 1, यानी 53 × 1 नीचे 1 × 1, तो 53 1 53/1, जिसका मीनिंग क्या होता है 53 इज योर आंसर, क्लियर बच्चों। तो आपने ये ऐसे सम सॉल्व करना है। ओके तो अब इसके बाद मैं आपको सेकंड सम करवाती हूँ। यस यस, स्टेटमेंट लिखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अब आप करो 14.3 का फर्स्ट सम हो जाएगा, सेम है, क्या लिखा हुआ है समझा रही हूँ मैं। यस कैसे करना देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 of 1/4 kg स्वीट्स इज ₹127/2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट्स, 1 kg स्वीट्स की कॉस्ट बतानी है। ओके सो बच्चे हम क्या करेंगे सेम, यस द कॉस्ट ऑफ 1 of 1/4 kg स्वीट्स इज 127/2, क्लियर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वीट्स, कितने सेंटेंस है यहाँ पर, 2 सेंटेंस, फर्स्ट वन सेकेंड वन, फर्स्ट के अंदर क्या लिखे हैं कितने kg स्वीट्स की जो दी हुई है रुपीज इतने के, फिर हमने नेक्स्ट का 1 kg का बताना है, सेम एज इट इज है हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 of 1/4 kg स्वीट्स इज
हमें 1 kg का निकालना है, क्या करेंगे 127/2 को डिवाइड कर देंगे 1/4 से, ओके, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में बच्चे एज इट इज है, उसमें लिखा हुआ है सेम स्टेटमेंट, आज आपने वो वाले करने हैं बच्चे जो आपको टिक मार्क करके दिए जाएंगे, उसके बाद एक और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना वो भी खत्म करवा देंगे और रिविजन भी कर लेंगे हम उस चीज की, एक और टाइप है वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे डिस्कस। तो सेकंड सम के अंदर भी क्या है, ए मैन वॉक 500 588 किलोमीटर, यस आगे क्या लिखा है 1/2 आर, क्लियर, यस। सो आगे लिखा है व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर इन 1 आर, तो बच्चे लिखो मैन कवर डिस्टेंस इन 1.5 आर, 1.5 आर में बच्चे कितना डिस्टेंस कवर किया, यस हाउ मेनी किलोमीटर्स 5/8 किलोमीटर। अब आगे क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर इन 1 आर, सो मैन कवर डिस्टेंस इन 1 आर, तो हम क्या करेंगे, यस 5/8 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, क्यों, क्योंकि ज्यादा का दिया हुआ है हमें कम का फाइंड आउट करना है, मैंने दिया है 1 निकालना, तो क्या करते हैं हम डिवीजन, ओके। सो ये सेकंड सम स्टेटमेंट आपकी हो क्लियर, तो आप इसको सॉल्व कर रहा और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड देखो, यस थर्ड भी आप कर सकते हो, 8 tin holds 42 of 2/3 liter of oil. How many liters can one such tin hold? देखो बच्चे हमें क्या दिया हुआ है, 8 tin दिया हुआ है, रीड करो पहले इसे, 8 tin holds 42 of 2/3 liter of oil, how many liters can one such tin hold? तो हमें 8 tin दिए हुए इस टाइप के, जिसके अंदर क्या है, ऑयल है, क्लियर, क्या है इसके अंदर, ऑयल, और ये बोल रहा है कि 1 tin के अंदर बताओ कितना ऑयल आएगा, तो आप देखो 8 tin holds, इसको स्किप करो, holds oil, how much, 42 of 2/3 liter, okay, so अब क्या निकालना है, 1 tin can hold oil, 1 tin कितना hold कर सकता है, जल्दी से बताओ, 8 tin का दिया है, मैंने दिया है, 1 का निकालना है, क्या करेंगे 42 ऑफ 2/3 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो लीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सेम ही बच्चे फोर्थ सम भी है, फिफ्थ सम भी ऐसे करना है, आपके जो आज के सम हो सकते हैं वो ऐसे चीज आपको मैं बता रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, यस आपने आज 7 sum करने हैं, ओके बच्चों, लास्ट के आपके 3 sums रह गए, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3 sums भी करेंगे और चैप्टर की रिवीजन भी करेंगे, क्लियर बच्चों, और इसके बाद आपका चैप्टर का टेस्ट भी होगा, वो आपको डेट सब कुछ मेंशन कर दी जाएगी, इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहो, अपनी कॉपीज कंप्लीट करते रहो, टेबल्स अच्छे से लर्न करो, नीट एंड क्लीन वर्क करना है, अपने आप करना है, ओके, और वीडियोस को अच्छे से अच्छे वॉच करो और देखो उसके अंदर सम समझो कैसे करवाए कैसे। Dear student, thanks for watching. Bye bye to all of you.